हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो आज के एक और नए व्लॉग में आपका स्वागत है। आज हम आए हैं बेस्ट ऑफ वंडर पार्क, यानी दिल्ली में स्थित एक पार्क है जहां पर 7 अजूबों को बनाया गया है वेस्ट से, यानी वेस्ट मटेरियल से। तो आज के इस व्लॉग में मैं आपको 7 अजूबे दिखाऊंगा जो कि वेस्ट से बनाए गए हैं। काफ़ी शानदार पार्क है, दिल्ली में स्थित है। चलो तो चलते हैं आगे, दिखाता हूँ आपको 7 अजूबे जो कि भारत में स्थित है। और सबसे अच्छी खासियत ये है कि खराब अवशिष्ट पदार्थों से बनाया गया है। ये जो आप सामने देख रहे हैं, ये है गीजा का महान पिरामिड। वेस्ट टू वंडर में प्रवेश करते ही सबसे पहले आपको गीजा का महान पिरामिड ही देखने को मिलेगा। आप ये देख सकते हैं, सेम टू सेम वैसा ही देखने में ये लग रहा है। इसे बनाने में पाइपों, एंगल और ट्रक के मेटल शीट का उपयोग किया है। 12 टन कबाड़ से इसे बनाने में तकरीबन 80 दिन लगे थे। ये जो आपने देखा ना सामने, 80 दिन में बनाया। अब चलते हैं आगे और देखते हैं आगे कौन सा अजूबा हमें देखने को मिलेगा। अब जो हम सामने देख रहे हैं, ये है पीसा की झुकी मीनार। गीजा के महान पिरामिड के बाद आपको पीसा की झुकी मीनार के दर्शन होंगे इस वंडर पार्क में। इसे केबल वायर, व्हील्स, ऑटोमोबाइल्स पार्ट्स, ट्रक मेटल शीट्स, क्लच प्लेट आदि अवशिष्ट पदार्थों से इसे बनाया है। इसे बनाने में करीब 9 टन कबाड़ का इस्तेमाल किया गया है। देखिए वेस्ट मटेरियल से कितना शानदार आपको ये सामने देख सकते हैं पीसा की झुकी मीनार, जो कि देखने में काफ़ी आकर्षित है। अब चलते हैं आगे और देखते हैं अगला अजूबा हम कौन सा देखते हैं। काफ़ी अच्छा बनाया है ये पार्क। और ये आप देखिए पीसा की झुकी हुई मीनार, छोटी सी लेकिन काफ़ी सुंदर लग रही है। 7 अजूबे यहाँ बनाए गए। आगे देखते हैं कौन सा अजूबा आने वाला है। इफिल टावर, ये जो आप सामने देख रहे हैं, इसे इफिल टावर बोला जाता है। और पीसा की झुकी हुई मीनार के बाद आप इफिल टावर के पास पहुँचेंगे। 15 टन कबाड़ से इसे बनाया गया 130 दिनों में। एफिल टावर का निर्माण 1887 से लेकर 89 तक पेरिस में हुआ था। 1930 तक दुनिया की सबसे ऊंची इमारत के रूप में ये टावर आज विश्व में सबसे अधिक फेमस है। जो आप देख रहे हैं इसे बोलते हैं एफिल टावर। अब देखने में काफ़ी ज़्यादा आकर्षक है। अब चलते हैं आगे और इसके बाद देखते हैं कौन सा अजूबा हमें देखने को मिलेगा। शनिवार आज काफ़ी भीड़ आई हुई है यहाँ पर। अब तक 3 हम अजूबे देख चुके हैं, एफिल टावर, पीसा की झुकी हुई मीनार। अब देखते हैं आगे कौन सा अजूबा आने वाला है। देखिए काफ़ी ग्रीनरी है यहाँ पर। यहाँ का टिकट 50 रुपये पर व्यक्ति है और संडे को 100 रुपये लगता है एक आदमी का टिकट। एफिल टावर के बाद हम आए कोलिजियम। ये आपने सामने बोर्ड देख रहे हैं और ये है कोलिजियम। कोलिजियम को बच्चों के पार्क से निकले कबाड़, कार के पहिए, गियर्स, स्क्वायर मेटल पाइप्स, इलेक्ट्रिक मोल्स आदि वेस्ट मटेरियल से बनाया है। ये लगभग 100 दिनों में बनकर तैयार हुआ है, जो आप सामने देख रहे हैं। इस पूरे पार्क में आपको ग्रीनरी भी काफ़ी देखने को मिलेगी। आप सामने देख सकते हैं कितनी ज़्यादा हरियाली है। और लगभग 50 मीटर की दूरी पर आपको इस तरह के अजूबे देखने को मिलेंगे, जिसे वेस्ट ऑफ वंडर कहा जाता है। इसे बनाने में 11 टन कबाड़ का इस्तेमाल हुआ है। कोलिजियम इटली की राजधानी रोम में स्थित है। चलते हैं आगे और देखते हैं अगले अजूबे को। अब जो अगला अजूबा हम देखने वाले हैं, वो भारत में स्थित है और भारत के लोग इससे काफ़ी ज़्यादा वाकिफ है। आप सामने देख रहे हैं ताजमहल, जो कि लोहे के अवशिष्ट पदार्थों से मिलकर बना है। ताजमहल भारत में जो स्थित है, वो संगमरमर के पत्थर से बना हुआ, काफ़ी सुंदर। और ये भी उसकी ही तरह आकृति दी गई है। इस ताजमहल को भी देखने में काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। इसे बनाने में तकरीबन 130 दिन लगे थे। अब चलते हैं आगे। ये अगला अजूबा जो आप सामने देख रहे हैं, ये है रियो रिडीमर। रियो रिडीमर को बनाने में इलेक्ट्रिक्स, पाइप्स, ऑटोमोबाइल स्क्रैप्स, बाइक चेन्स, स्प्रिंग, हैंडकार्ट आदि एंगल का इस्तेमाल किया गया है। 15 टन कबाड़ के इस्तेमाल से इसे 130 दिनों में बनाया गया है। देखिए सामने कितना ज़्यादा सुंदर लग रहा है। ये बिल्कुल रियल स्ट्रक्चर की तरह इसे बनाने की कोशिश की गई है। ये दुनिया की सबसे ऊँची मूर्तियों में से भी एक है, रियो रिडीमर। देख सकते हैं आप, 130 दिन लगे थे इस आकृति को बनाने में। अब चलते हैं
अपने अगले वंडर की ओर। ये जो आप सामने देख रहे हैं ये है स्टेचू ऑफ लिबर्टी। जाहिर सी बात है आपने इसका नाम जरूर सुना होगा। वेस्ट टू वंडर में सबसे आखिर में स्टेचू ऑफ लिबर्टी हमें देखने को मिलती है। इसे टी स्टोल बेंचेस हेड इलेक्ट्रिक मेटल वायर्स बाइक रिम मेटल शीट साइकिल चेन पार्क बेंच आदि अवशिष्ट पदार्थ से बनाया है। 4 टन कबाड़ का इस्तेमाल इसमें किया गया है। लगभग 90 दिनों में इसे पूरा तैयार किया गया है। स्टेचू ऑफ लिबर्टी को अमेरिकन क्रांति के दौरान फ्रांस और अमेरिका की दोस्ती के प्रतीक के रूप में बनाया गया था और ये विश्व में काफ़ी प्रसिद्ध है। तो ये था वेस्ट ऑफ वंडर पार्क का ब्लॉग। छोटे बच्चों के लायक ज़्यादा जगह लगी मुझे। 7 बजे भी दिखाया मैंने अभी आपको, जो कि टोटली वेस्ट मटेरियल से बनाए गए। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।